नमस्कार, रानी किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग घर पे रुमाली रोटी बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, मैंने यहाँ पे देखिए 50 ग्राम मैदा लिया है और 50 ग्राम मैंने आटा लिया है गेहूं का। अब इसमें डालेंगे नमक, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों चीजों को। आप चाहे तो इसको मैदा से भी बना सकते हैं, पर मैं इसमें दोनों चीज मिला करके बना रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी दूध, मैंने 1 कप दूध लिया है, यह भी 100 ग्राम होगा। तो दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमको एक नरम डो तैयार करना है, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उससे नरम हम लोग डो इसको बनाएंगे, तैयार करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा, मैंने रिफाइन ऑयल लिया है, इसको डाल करके थोड़ा चिकना कर लेंगे हम लोग। देखिए मैंने आटा गूंथ दिया है, नरम है, इसको मैं 5 मिनट के लिए रख करके ढक करके रख दे रही हूँ ताकि जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है। मैंने यहाँ पे लिया 1/2 चम्मच नमक, अब इसका हम लोग घोल बना लेंगे। पानी मैंने डाल दिया है, इसका घोल तैयार करेंगे। देखिए हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, तो चलिए इसकी रुमाली रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोग कढ़ाई चढ़ाएंगे। देखिए गैस मैंने ऑन कर दिया है, अब मैं इस तरह की लोहे की कढ़ाई मैंने लिया है, इसको इस तरह से सेट कर देंगे। और मैंने 2 छोटी छोटी कटोरी लिया है, इसको इस तरह से लगा देंगे ताकि हिले नहीं, दोनों तरफ से इसको अच्छे से बैठा लेंगे। अब इसकी हम लोई काट ले रहे हैं, देखिए इस तरह से लोई हम लोग काटेंगे बड़ा बड़ा। देखिए मैंने लोई तैयार कर ली है, और थोड़ा सा हम लोग नीचे इस तरह से मैदा लगा देंगे और इसको रुमाल की तरह पतला एकदम बेलेंगे, इस तरह से जितना पतला हो सके उतना हम लोग को बेलना है। देखिए इस तरह से हमको लंबा बेलना है, चारों तरफ से एक बराबर हो, रोटी मोटी पतली ना हो, इस तरह से आराम से हम लोग को बेलना है। मैदा से जितना हम लोग बेल रहे हैं उतना सिकुड़ जा रहा है, इसलिए आराम से बेलना है। और जो मैदा मैंने सूखा लिया है उसको लगाते जाएं और इसको जितना हो सके पतला बेलें। मैंने जो नमक का पानी बनाया था थोड़ा सा इस पर कढ़ाई पर छिड़क देंगे चारों तरफ से अच्छे से, ताकि हमारा जो रुमाली रोटी है वो चिपकी नहीं। इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से कर देंगे, इस तरह से डाल देंगे चारों तरफ से। देखिए मैंने डाल दिया इसको, और मैंने गैस पूरा हाई पे रखा है। तो देखिए अब इस तरह से हम रुमाली रोटी मैंने लिया है, इसको इस तरह से हाथ से कर लेंगे थोड़ा सा, और इसको इस पर डाल देंगे कढ़ाई पर, आराम से डालेंगे इस तरह से चारों तरफ। देखिए चारों तरफ से ये बबल आने लगे हैं इस तरह से, देखिए देखिए इस तरह से फूलने लगा है, देख सकते हैं। इसको अच्छे से सेक लेंगे एक तरफ से, ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो हमारा जो रुमाली रोटी वो कड़ा हो जाएगा। और इस तरह से इसको पलट देंगे, देखिए कितना अच्छा सिक गया है इसको। अब देखिए इसको मोड़ देंगे हम लोग, ये अच्छे से सिक गया है इस तरह से, देखिए इस तरह से हम लोग इसको मोड़ देंगे और इसको भी अच्छे से चारों तरफ से सेक देंगे, कच्चा ना रहे कहीं से भी। देखिए कहीं भी कच्चा नहीं है, इसको अच्छे से सेक देंगे। और देखिए हमारी रुमाली रोटी बन के देखिए तैयार हो गई है, इसको निकाल देंगे। बहुत आराम से बनने वाली ये रुमाली रोटी है, घर पर आसानी से और खाने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए रुमाली रोटी हमारे, देखिए देखिए इस तरह से सारे जो है हम रुमाली रोटी सेक लेंगे, इस तरह से अच्छे से डाल देंगे इस पर चारों तरफ से, इस तरह से ताकि अच्छे से सिक जाए। देखिए मैंने इसको पलट दिया है, इसको चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, इसके बाद इसको मोड़कर इस तरह से और इसको अच्छे से सेक देंगे हम लोग। देखिए इस तरह से चारों तरफ से सेक देंगे,
देखिए ये भी हमारा बनके तैयार है, बहुत ही सुंदर बना है हमारा रुमाली रोटी। देखिए हमारी रुमाली रोटी बन करके बिल्कुल तैयार है, बहुत ही नर्म बनी है, आप देख सकते हैं कितनी नर्म है। तो इस तरह से रुमाली रोटी घर पर आसानी से बनाएं, और गर्मा गर्म जब खाना हो तभी रुमाली रोटी बनाएं, उससे पहले बना कर न रखें। तो आज का हमारा रेसिपी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।